आता है ना वो सुगड़ औरत है, मतलब दूध से दही, दही से मक्खन या पनीर, और मक्खन से घी बनाना आ जाए तो मतलब एक परफेक्ट होममेकर। तो आज आपसे घर के दूध से डेली बेसिस पर उतारी गई मलाई से बिना किसी जाग लगाए और हैंड बीटर या ब्लेंडर जार का यूज किए या फिर बर्फ या पानी डाले बगैर कैसे जबरदस्त परफेक्ट देसी घी निकालते हैं, इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूं जो सालों से अपने बड़ों को देखती आई हूं और खुद भी फॉलो कर। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। यू ऑल आर वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। टिप नंबर 1 है कि सबसे पहले दूध को फ्रिज में ठंडा करें और फिर मलाई उतारें, इस तरह मोटी तय बनेगी। टिप नंबर 2 है, अगर 2-7-8 दिन के लिए मलाई आपने जमा करनी है तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरी तरह आपने ज्यादा दिन के लिए रखना है तो फ्रीजर में रखें, अदरवाइज मलाई में स्मेल हो जाएगी और फंगस भी लग सकती है, तो कोशिश करें। टिप नंबर 3 है कि स्टील के बर्तन में स्टोर करें, इस तरह ज्यादा देर तक और जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे ये मैंने स्टील का बॉल रखा हुआ, ये 3-4 kg का बॉल है जिसको मैं फ्रीजर में ही रखे रखती हूँ और इसके अंदर मैं मलाई जमा करती रहती हूँ, और जब तकरीबन 1 महीने के अंदर ये 3-4 kg जमा हो जाती है फिर को मैं निकाल कर बाहर रखती हूँ। तो टिप नंबर 4 है, ये मैंने ऑलमोस्ट 4 किलो की बकेट रखी हुई है जो 20-25 दिन में पूरी फिल हो जाती है। इसको मैंने फ्रीजर में ही रखा होता है, जब पूरी फिल हो जाती है तो इसको 24 आवर्स के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर मैं बाहर रख देती हूँ, सर्दियों में 2-3 दिन के लिए बाहर रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर इसको जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो इस कंटेनर से इसको मैं इस सिल्वर की पतीली में निकाल लेती हूँ। तो टिप नंबर 5 यही है कि जिस पतीली में भी आपने घी बनाना होता है कोशिश करें कि वो सिल्वर की हो, क्योंकि इससे हीट अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है और ज़्यादा मलाई नीचे नहीं लगती, तो स्टील के बर्तन से अवॉइड करें। उसके बाद ये मैंने साग घोटने वाला टूल यूज़ किया है जिसको मैं 2-3 मिनट के लिए मलाई के अंदर अच्छे तरह से उसको घुमा लूँगी और हमारे मक्खन का लोफ बनकर रेडी हो जाएगा बिना जाग लगाए। तो आप ये देखते हैं मैंने कोई जाग नहीं लगाई और मैंने सिंपली इसको 2-3 दिन बाहर रखे और फिर इसको ये देखें, ये लोफ बनने का मतलब होता है कि यह बर्तन से हमारा टच नहीं हो रही मलाई, इसका मतलब है कि अब ये मक्खन होने को तैयार है। तो अब यहाँ पर मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इसकी हल्की सी हीट रख दी है, ज़्यादा तेज़ चूल्हा आपने नहीं करना, ये टिप नंबर 6 है। तो उसके बाद जो है इसको घुमाने से क्या होगा कि 24 आवर्स बाहर रखने की वजह से इसमें फर्मेंटेशन हो गई होगी, यानी जिसको सादा लफ्जों में जाग बोलते हैं। आप इसकी लस्सी अलग और मक्खन अलग अपने आप हो जाएगा, बस आपको कोई बर्फ डालने की जरूरत नहीं या पानी, डायरेक्ट आप चूल्हा ऑन करें उसको रख दें। जब घोटने के ऊपर से मलाई मेल्ट होकर उतर जाए तो उसको निकाल लें और लकड़ी का फ्लैट स्पैचुला यूज़ करें और अच्छे से घुमाते रहें। आपने इसको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे से बर्तन लगता जाएगा। अब ये देखें मलाई पक पक के तो इस तरह से ये हो जाएगी दानेदार, जब ये हो जाएगी ना उसका ये मतलब होगा कि अब हमारा घी तैयार हो गया। थोड़ी देर के लिए वीडियो को मैं अपलोड करने के लिए गई थी तो साइड से थोड़ा सा आपको लगता हुआ नजर आ रहा हो, अगर नीचे से लगना शुरू हो जाए तो उसका मतलब होता है कि घी की अपनी स्मेल बिल्कुल वेस्ट हो गई और जो आपका बर्तन जाया हो गया बाद में धोना जो है वो एक मुसीबत बन जाता है। आप ये देखें कंप्लीटली दानेदार हो चुकी है मलाई हमारी, दैट मीन्स कि इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से घी छोड़ दिया। अब यहाँ पर हम इसको बंद कर देंगे चूल्हे को और ठंडा करके इसको मैं स्टील के कंटेनर में निकालूंगी। हम लोग ज्यादातर देसी घी जो है इसी तरह के स्टील के कंटेनर में निकालते हैं और प्रेफर भी इसी को करना चाहिए क्योंकि दूसरे शीशे की बॉटल्स जो है वो इतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होती, तो इसमें हमारी स्मेल भी ठीक रहती है और हमारा घी भी सही रहता है। तो परफेक्ट ऑर्गेनिक घी और बहुत अच्छी स्मेल वाला घी बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको छोड़ना नहीं है। तो अब ये स्टील के बर्तन को हम यूज़ करते करते ये ग्रीजी हो जाता है। अब इसके लिए टिप साथ साथ ही शेयर कर देती हूँ कि आपने लेमन पील लेना है और उसको अच्छे से उसके ऊपर रब करते जाना है, स्टील के बोल के ऊपर जिसमें भी आपने अपना देसी घी निकाला है, अच्छे से सिर्फ उसको रब करना है। कोई इसमें और कोई मुश्किल नहीं है, आपका ये बर्तन बिल्कुल कभी भी ग्रीजी नहीं होगा। और उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, जब आप इसको अच्छे से रब कर लेंगे तो आपने अपना किचन वाइप लेना है, लेकिन साफ हो। अगर आपके पास किचन वाइप नहीं है तो आप कोई भी टॉवल का पीस ले सकते हैं और उसके साथ सिंपली आप इसको साफ कर दें। तो ये देखें जरा इसकी चमक। तो अगर हम घी बना लेते हैं और कंटेनर का ख्याल नहीं रखते और जो कोई भी आता है और उसके ऊपर चिकनाई लगी हो और हाथ गंदे हो जाएं तो उससे हमारा अच्छा ही आप प्लेस करके रखें और देसी घी के कंटेनर को भी आप साथ रख सकते हैं। तो ये था आज का कॉन्टेंट, आई होप आपको पसंद आया होगा और आपने टिप्स भी मेरी फॉलो की होंगी। और आप मुझे बताएं कि आप भी इस तरह से घी निकालते हैं या नहीं। तो जो लोग नए आए हैं आज फर्स्ट टाइम चैनल पर, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर किया करें और कमेंट जरूर करें।